वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ निहारिका। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स। ये एक्चुअली न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आप कह सकते हैं बेटर देन एक्सपेंसिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जो बेस्ट चीज़ है कि इस हॉल में मैं जितने प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ वो सारे मैंने अमेजोन से लिए हैं। आई नो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है दूसरी वेबसाइट से बाय करने में, बट समहाउ अमेजोन से हर कोई बाय कर सकता है और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला इन सभी प्रोडक्ट्स पे, काफ़ी अच्छी डील मिली, इसलिए मैंने ये अमेजोन से ही बाय किए हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो लाइक माई मोस्ट फेवरेट, ये है स्विस ब्यूटी के वेट ग्लॉस। ये है प्लम्प अप वेट ग्लॉस और ये इतने ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक मैंने इसके 2-3 शेड खरीद डाले, मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी है कि महंगे से महंगे जितने भी आपके टिंटेड लिप ग्लॉस थे उन सबकी छुट्टी कर दी इन्होंने, लाइक मैं उन्हें यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस इन्हें ट्राई कर रही हूँ। और इतने सही शेड है, इतने न्यूड शेड हैं, पिंक शेड हैं, रेड शेड है, मतलब ऐसे शेड जल्दी आपको यू नो अफोर्डेबल में नहीं मिलते थे, वो क्वालिटी नहीं मिलती थी, पर यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक्चुअली आप इन्हें चाहो तो विदाउट लिपस्टिक लाइक सीधे भी अप्लाई करोगे यू विल गेट दिस कलर, नहीं तो अक्सर कलर दिखता है लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो वो बहुत से लिप ग्लॉस एकदम शेयर आउट दे देते, आपको कलर नहीं देते, बट ये आपको कलर देगा। मैंने जो शेड 01 है उससे अप्लाई किया है ऑन द लिपस्टिक एंड आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत शाइन है, मतलब लिप्स सीरियसली वेट लग रहे हैं। मुझे वैसे शाइनी टाइप के लिप्स नहीं पसंद जो लाइक ग्लिटर और स्पार्कली होते हैं, बट आई लाइक दैट वेट लुक ऑन माई लिप्स एंड ये प्योर वो ग्लास फिनिश आपके लिप्स को देता है और लिप्स सीरियसली बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, हाइड्रेटिंग है, ओवर थिक नहीं कहूँगी, मतलब आपका जो भी लिपस्टिक है उसको रिमूव नहीं करता, इतना थिक नहीं कि आपका लिपस्टिक रिमूव हो जाए, आराम से अप्लाई होता है, लिप्स पे रहता है, लिप्स बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहते हैं, काफ़ी सही। अगर आपके लिप्स बहुत जल्दी ड्राई या चैपी होने लगते हैं तो अगर आप इन्हें अप्लाई करोगे ना तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। जो नेक्स्ट है वो सनस्क्रीन है, मैंने कई बार शेयर किया है, ये डॉक्टर शेड की सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन। मेरे पास इसका दूसरा वाला भी, हल्दी वाला भी, वो भी अच्छा है, पर समवॉट 10% मैं कहूँगी मुझे ये ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं आजकल काफ़ी नए नए सनस्क्रीन ट्राई कर रही हूँ जो कि आप कमिंग वीडियोस में देखोगे, और फाइनली क्योंकि जब तक समर आई जाएगा तो मेरे पास वापस एक नया कलेक्शन होगा फॉर सनस्क्रीन, पर मुझे ये काफ़ी पसंद है क्योंकि जब ये अप्लाई करते हो तो सीरियसली आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करती है, नहीं तो क्योंकि सनस्क्रीन इतनी ज़्यादा थिक होती है कि वो मॉइस्चराइज नहीं करती, मतलब आपके फेस के ऊपर है, आपको बार बार मसाज करना पड़ता है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होती, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है। ये लाइक जैसे आप कोई क्रीम अप्लाई करते हो उस तरीके से ईजिली अप्लाई हो जाती है फेस में एंड फेस को बहुत अच्छे से डूई कर देती है, लाइक आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करती है और डूई भी देती है, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइप के जो आपके सनस्क्रीन होते हैं वो ऑलमोस्ट स्किन केयर का ही काम कर देते हैं, तो अप्लाई करना सही लगता है, मतलब ईजी लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आप अलग से कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो। तो अगर आप एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर अप्लाई करके भी इसको अप्लाई करोगे ना तो आपका फेस अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा, आप नहीं तो डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये आपके फेस को मॉइस्चराइज भी कर रहा है। ये आपका SPF 50 MPA +++ है, इसमें हाइलोरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, सेरामाइड है, ऑल गुड थिंग्स, और इसमें मिनरल और ऑर्गेनिक फिल्टर्स हैं, यानी आपके वो केमिकल फिल्टर्स नहीं है जो कि आप बहुत से लोग अवॉइड करते हैं। दिस इज वेरी वेरी सेफ फॉर योर स्किन एंड इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो नेक्स्ट है वो मैंने लिया है रेने का शाइन ऑन लिप लेक्र, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने ले लिया, मतलब ऐसा कुछ खास सोच समझ के नहीं लिया। रेने के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं ओवरऑल कहूँ तो प्लस माइनस है, मतलब कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं है, कुछ गिमिकी हैं, मतलब ऐसा यूज़ करने का तरीका है कि आप उनकी पैकेजिंग से थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं और मे बी प्रोडक्ट उतना अच्छा वर्क नहीं करता, और कहीं कहीं पर प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अंडर रेटेड हैं जो कि अच्छे हैं, आपको यूज़ करने चाहिए लाइक दे लिक्विड लिपस्टिक। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं भी एक और बार ट्राई करूं, तो ये है शाइन ऑन रेने। तो इसकी पैकेजिंग ऐसी है कि ऊपर आपका ब्रश टिप है, ये ब्रश टिप है और यहाँ पे आपको इसको दबा दबा के क्लिक करके प्रोडक्ट निकालना होता है। ये कुछ वैसा ही जैसा कि शुगर ने बहुत पहले एक लिपस्टिक निकाली थी क्लिक करने वाली, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करती है, प्लस लिपस्टिक अंदर भी वापस नहीं जाती, तो प्रोडक्ट वेस्ट भी है। लेकिन समहाउ दिस इज अपोजिट, दिस इज रियली यूजफुल एंड सो गुड। पहली चीज़ जब आप टिप क्लिक करते हो,
हाँ इसमें प्रोडक्ट वापस नहीं जाता, लेकिन प्रोडक्ट आपकी टिप पे ही रहेगा। इस वक्त भी कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट निकला हुआ है, पर ये टिप पे ही है तो वेस्ट नहीं हो रहा। मतलब ऐसा ढक्कन में कहीं कुछ लगा नहीं है, टिप आपका जो प्रोडक्ट है वो होल्ड करके रखती है, ठीक है। और आप नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करते हो तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी इसमें है आप वो यूज़ कर सकते हो, आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 से 3 क्लिक में प्रोडक्ट निकल आता है, बहुत ईजी है। जब ब्रश टिप से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, मैं अच्छे से लिप ग्लॉस है जो भी ग्लॉसी है उसको अच्छे से स्प्रेड कर पाती हूँ, और खासकर एजेस पे मैं बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी टिप से उतना सही से नहीं होता जितना सही से आपका ब्रश टिप से होता है। आप एजेस बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं, सॉफ्टन कर पाते हैं, मुझे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं आप प्रॉपरली एक इवन लेयर में इसको अप्लाई कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लिप्स पे भी नहीं रहता। तो बहुत ही सही प्रोडक्ट है, मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद आया, एंड दिस शेड इज़ सो ब्यूटिफुल। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे इतना सही शेड, मतलब कितना प्यारा, लाइक मोका न्यूड टाइप का शेड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ओवर नहीं लगता, एंड आपके जो लिप्स हैं सीरियसली डूवी जूसी अमेजिंग लगते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि आपके लिप्स को हाइड्रेट भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है। जो नेक्स्ट है वो है यूकानवे का आई शेडो पैलेट। आप लोग अक्सर कलरफुल आई शेडो पैलेट पूछते थे, एंड अगर मैं एक प्रॉपर रेंज में जाऊँ, अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छा कलरफुल पैलेट, देन दिस वॉज द बेस्ट, लाइक सीरियसली बेस्ट। ये है इसका मिरर मिरर आई शेडो पैलेट। मैंने ये आई शेडो पैलेट अमेजोन से लिया था, और सीरियसली बता रही हूँ, जब मैंने यूज़ किया था, लाइक ओ माई गॉड, आई वॉज ब्लोन अवे। इतना अमेजिंग पैलेट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सुपर पिगमेंटेड, इंटेंस पिगमेंटेशन है, सिर्फ 2 बार डैप करने पे आपको अच्छा खासा कलर पे ऑफ मिल जाता है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा बार बार पैन में जाना नहीं पड़ता। इतने सारे डिफरेंट शेड्स हैं, इतने सारे कलर्स, मतलब सारे कलर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा तरीके से ये ब्लेंड हो रहा था, और इसमें इतने सही शेड है कि आपको ब्रॉन्जर, कॉन्टूर, ब्लश, हाइलाइटर किसी की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसमें, इट्स लाइक ऑल इन वन पैलेट। मतलब आपने इसे ले लिया तो आपका काम खत्म। चाहे आपको कलरफुल आई शेडो चाहिए, चाहे आपको डार्क ब्राउन या ब्लैकिश टाइप के आई शेडो चाहिए, हर टाइप की चीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगी, सारे शेड। इवन इसके जो येलोज एंड ऑरेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। लाइक ये ऐसा पैलेट है कि वर्थ टू इन्वेस्ट है, मतलब आप जितना पैसा दे रहे हो आपको ये पैलेट एक्चुअली पूरी तरह परफॉर्मेंस देगा। वैसे ये पैलेट काफ़ी महंगा आता है, लेकिन ये अमेजोन पे अवेलेबल है, और उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट है, लाइक 50% अराउंड, तो आपको ज़रूर बाय करना चाहिए, वरना जल्दी नहीं मिलता। मतलब ये पैलेट अक्सर आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो आप फटाफट ले लो। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो सीरियसली इंसेनली माइंड ब्लोइंग है। मैंने एक्चुअली ब्रश सेट खरीदा, वो भी मिनीसो का, और ये सिर्फ मुझे 500 रुपीज़ का पड़ा, सीरियसली 500 रुपीज़ का, एंड दिस इज़ योर ब्रश सेट। लाइक इतने सारे ब्रशेस सिर्फ 500 रुपीज़ में, अनबिलीवेबल। और बेस्ट चीज़ है, दीज आर सो सॉफ्ट, सो फ्लफी, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रशेस मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप मेकअप कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे आज यूज़ किए, बस है कि इसमें जो आपका ब्लेंडिंग ब्रश है वो ज़्यादा नहीं है, आप वो अलग से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो ब्रशेस हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आपका एक सुपर थोड़ा बड़े साइज़ का फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है, जो कि बहुत अच्छे से आपका ऑल ओवर ब्लेंडिंग का काम करता है। ये फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है, और बाकी जो भी ब्रश हैं वो बहुत ही प्रिसाइज काम करते हैं, और ये सब सॉफ्ट है, मतलब कोई भी पोकी नहीं है। इवन मुझे अगर जो शेडर ब्रश होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोकी लगते हैं, पर मैंने एक्चुअली इसका यूज़ किया, और इसके ब्रश बहुत ईजी है अप्लाई करना। मतलब ये फ्लैट वाला, एकदम फ्लैट कट वाला होता है, तो अगर मैं इससे शेडिंग करती हूँ अपना जो भी आईलाइनर उसको स्मच करने के लिए, बाकी वाले तो मुझे बहुत चुभते हैं क्योंकि मेरी आईज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पर ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, इसने 1 सेकेंड में मेरा पूरा आई शेडो ब्लेंड कर दिया। मुझे ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा, मुझे बिल्कुल भी पोक ही नहीं लगा, और इसके ब्रिजल्स और जो इसका बॉडी है एकदम ही स्ट्रांग है, कोई फॉल आउट नहीं है, इवनली कट है, ऐसा नहीं है कि आपको बाल ऊपर नीचे हो रहे हैं जो इसके ब्रिजल्स हैं। मुझे सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें जो टाइनी ब्रश है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपका काम करते हैं। जो बेस्ट ब्रश मुझे लगा वो एक्चुअली ये है, इससे एक्चुअली आप कट क्रीज कर सकते हो, लेकिन मैंने इससे शिमर अप्लाई किया, एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ, इतना सही तरीके से
जो शिमर है, ग्लिटर है, कभी अप्लाई नहीं हुआ मेरी आईज में, मुझे हमेशा फिंगर यूज़ करनी पड़ती है, बट इसकी हेल्प से इतना सही तरीके से हुआ, मतलब मुझे दोबारा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे दोबारा टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आई थिंक आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप यू नो प्रेसाइज ब्रशेस ढूंढ रहे हो, क्योंकि इसमें मेन ब्रशेस कम है, प्रेसाइज ब्रशेस ज़्यादा है, पर सुपर सुपर सॉफ्ट है, मतलब 100% सॉफ्ट होंगी, बेबी सॉफ्ट आप ब्रशेस समझ लीजिए। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एक्चुअली आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से कमेंट पे आ रहा था, तो फाइनली मैंने लिया और अमेजोन से लिया, क्योंकि मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था, इवन अगर आपके 100 रुपये भी सस्ता हो जाए तो काफ़ी सही है। तो ये मैंने लिया है रेने का फेस ग्लॉस, तो ये है रेने का ग्लॉस प्राइमर सेरम। ये आई डोंट थिंक इसमें शेड आते हैं, ये एकदम व्हाइटिश किस्म का लग रहा है, पर इसमें गोल्डन शीन है जब आप अप्लाई करोगे। ये कहता है ये इल्यूमिनेटिंग है, ग्लास स्किन है विथ हाइलोनिक एसिड। अब मैंने इसको अप्लाई किया, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, सीरियसली थोड़ा ऑयली टाइप का सेरम है, पर बहुत ज़्यादा हैवी और थिक नहीं है, मतलब आपको सेरम जैसा ही फील आएगा, ऑयलीनेस उतनी फील नहीं आएगी, पर हाँ डेंस मॉइस्चराइज कर देता है, तो आपको फेस को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर देगा, एकदम डूई जूसी हाइड्रेटेड हो जाएगा आपका फेस। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा ये हैवी हो सकता है, ऑल्सो इसमें काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेशन है जो कि ऑयली स्किन के लिए बेस्ट नहीं रहेगा। जब आप इसको अप्लाई करते हैं, लाइट्स हिट करती हैं, तो येस आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डूई लगती है, ठीक है। और मैंने विदाउट लाइट्स भी देखा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ग्लिटर है या वो है, हल्का सा स्पार्कल दिखता है हल्का सा, पर ऐसा खास नहीं दिखता। बट हाँ ये ज़रूर कहूँगी हर लाइट में चीज़ें डिफरेंट लगती हैं, मैंने जब सेम इसको अप्लाई करके अपने वॉशरूम की लाइट में देखा तो पूरा हाथ मेरा स्पार्कल से चमक रहा था, मतलब नॉट ग्लिटर नॉट शिमर, लाइक स्पार्कलिंग वाले नहीं होते पार्टिकल्स, तो पूरा हाथ स्पार्कल स्पार्कल कर रहा था। तो ये होता है कि जब भी आप कुछ इल्यूमिनेटिंग लगाते हैं तो लाइट लाइट पे डिपेंड करता है, नॉर्मली लाइटों पे जैसा दिखना चाहिए सही वैसा दिखता है, पर किसी किसी लाइट पे ये पूरी तरह जो आपके स्पार्कल्स शिमर या ग्लिटर होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही चमकने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही उनमें रिफ्लेक्शन होता है। हाँ इसके साथ भी वही चीज़ है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी ड्राई स्किन को, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी सही है। एंड हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चंकीनेस तो नहीं है, ऑल्सो ये प्राइमर की तरह आप इसको यूज़ करोगे तो उसके ऊपर आप फाउंडेशन और चीज़ें तो अप्लाई करोगे, तो जो भी स्पार्कल वाली प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी, मतलब आपको ये ग्लो देगा विद इन द स्किन, तो उस हिसाब से काफ़ी सही है। अगर आपको आप सिर्फ इसको वेयर करोगे देन प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद किसी लाइट में आपका पूरा फेस स्पार्कल करे और किसी लाइट में आप पता भी नहीं चलेगा। जो नेक्स्ट है वो है एक्चुअली मास्क की लिपस्टिक, ये है इसकी बटर स्टिक नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक। एंड सीरियसली बता रही हूँ जितनी भी मास्क की लिपस्टिक हैं आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, जब से मेरे पास आई है मैं इन्हें लाइक हर बार अप्लाई करती हूँ। एक्चुअली ये शेड, एक्चुअली दोनों शेड काफ़ी क्लोज हैं, समवॉट दोनों ही मुझे ऐसे लगते हैं, इसमें एक शेड थोड़ा पीची है और दूसरा थोड़ा सा आपका पिंक टोन है, पर पीच पिंक टोन है और एक प्रॉपर पीच शेड है, तो थोड़ा शेड काफ़ी क्लोज है, लेकिन इतनी सही है, मैं ऑब्वियसली आपको कहूँगी इन्हें आप ज़रूर ट्राई करिए, एटलीस्ट एक शेड तो ट्राई करिए। ये एकदम ही बटर की तरह अप्लाई होती हैं और जैसी ड्राई आउट होती हैं आपके लिप्स पे रहती हैं, नो स्मच नो ट्रांसफर, मतलब पूरा लॉन्ग लास्टिंग है, रहेगी तो रहेगी, इधर से उधर नहीं जाएगी। एंड लिप्स मुझे एक्चुअली इतने ड्राई नहीं फील होते इनको अप्लाई करने पे। हाँ मैं ज़रूर कहूँगी प्रेप अप करिए, पर एक ड्राइनेस वाली जो प्रॉब्लम है ना वो मुझे इनके साथ नहीं लगती, जो इसके जो क्रेयॉन्स हैं उस वो फिर भी मुझे हल्के से ड्राई लगते हैं, पर ये नहीं, और ये मुझे इतना सही फॉर्मूला लगा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड स्पेशली जो शेड रेंज इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप न्यूड थोड़ा सा सटल टाइप के शेड पसंद करते हैं देन आपको इसमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए, अमेजिंग फॉर्मूला है, लाइक आप उस सीरियसली कह रही हूँ आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है ये सुस ब्यूटी का आई प्राइमर बेस, और सुस ब्यूटी ने काफ़ी अच्छे अच्छे शेड रेंज में एक्चुअली इन्हें निकाला है, जो कि आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं या फिर आईज के हिसाब से, मतलब एक इसमें एकदम लाइटर है, एक इसमें डार्क है, तो जो शेड आपके स्किन के हिसाब से मैच करता है आप उसके हिसाब से आई प्राइमर ले सकते हैं, क्योंकि साथ ही साथ ये आपके पिगमेंटेशन जो भी कलर करेक्शन है उसको भी कर देगा और आप उसके ऊपर अपना आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आई प्राइमर ऐसा है कि ये आपका कंसीलर प्लस प्राइमर दोनों का काम करेगा, इनके शेड कुछ इसी टाइप के हैं।
मैंने यहाँ पे शेड लिया है वो है 01 लाइट शेड। अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आपके कलर्स पॉपअप हों तो बेटर होगा कि आप लाइटर शेड लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि आपका बस पिगमेंटेशन थोड़ा सा यू नो कवर हो और आप उस पर एक सटल आई शेडो अप्लाई करो, देन आप कलर के हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने ये वाला लिया जिसकी पैकेजिंग है वो एक्चुअली मेकअप रेवोल्यूशन ही जैसी है। मेकअप रेवोल्यूशन में भी ऐसी पैकेजिंग आती थी जो उनके आई प्राइमर्स थे। मैंने इसको अप्लाई किया, काफ़ी सही है, आपका होता है, पर मेरे साथ ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया प्रॉब्लम है कि मेरी जो आईज हैं वो क्रीज होती हैं, जो आईलेट्स हैं वो क्रीज हो ही जाती हैं, तो वो क्रीजिंग प्रॉब्लम मुझे इसमें भी लगी, इसलिए मैं नॉर्मल कंसीलर ही यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वही क्रीजिंग प्रॉब्लम मुझे सब जगह रहती है तो मैं अलग से प्राइमर क्यों यूज़ करूँ। तो हाँ, इसमें भी वही है, हल्का सा क्रीजिंग मुझे इसमें भी लगा, लेकिन अगर आपकी आईलिड्स पे ऐसा क्रीजिंग का प्रॉब्लम नहीं होता तो आप ज़रूर इन्हें ट्राई करिए। एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है फॉर आई प्राइमर, और बहुत से लोग परेशान रहते हैं ना कि उनका पिगमेंटेशन वो कैसे हाइड करें, कलर्स कैसे पॉपअप हों, तो इस टाइप के आई प्राइमर ज़्यादा वर्क करते हैं। आपका यू नो आपको प्रॉपर बेस भी मिल जाएगा और आप जो भी आई शेडो अप्लाई करोगे वो अच्छे से स्टिक होंगे, होल्ड करेंगे, फॉल आउट नहीं होगा, अच्छा खासा कलर पे ऑफ मिलेगा। सो गाइज, दिस वॉज अ वीडियो एंड ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने अमेजोन से लिए हैं। आपको अमेजोन पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप वहाँ से इन्हें बाय कर सकते हैं। जो भी लिंक्स हैं वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।